नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ICT Academy में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से हम आप लोग के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल रिलेटेड एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में सेशन 21-22 के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म रिन्यूअल कैसे अप्लाई करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हम आप लोग को बता दिए कि किस प्रकार न्यू रजिस्ट्रेशन करके स्कॉलरशिप का अप्लाई करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन करके लॉग इन करके कैसे अप्लाई करना है। इस वीडियो को नहीं देखे तो देख लीजिएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन मतलब न्यू स्टूडेंट के लिए वो उस वीडियो में बताएं। अभी इस वीडियो में बात कर रहा हूँ कि आप लोग लॉग इन करके रिन्यूअल के लिए कैसे स्कॉलरशिप का अप्लाई करेंगे। कल ही रिन्यूअल वाला ऑप्शन स्टार्ट हुआ था, आप लोग को रिन्यूअल वाला प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में रिन्यूअल कैसे किया जाता है। तो जो रिन्यूअल वही स्टूडेंट करेंगे जो पिछले साल स्कॉलरशिप अप्लाई किए थे या फिर उससे पहले जिनके पास ओल्ड नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड है, वो स्टूडेंट रिन्यूअल करेंगे क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन उनका होगा नहीं, ऑलरेडी रजिस्टर बताएगा। तो आप लोग लॉगिन करके रिन्यूअल के लिए कैसे अप्लाई करेंगे इस वीडियो में बताऊंगा। कोई भी दिक्कत हो रहा है लॉगिन रिलेटेड कि रिन्यूअल नहीं हो पा रहा, फॉरगेट नहीं हो पा रहा, एप्लीकेशन आईडी नहीं है, पासवर्ड नहीं है, मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रहा, मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करना, सब कुछ इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं। रिन्यूअल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपका नहीं रहेगा, तो वीडियो को एक बार आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक कीजिएगा, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। अभी बात कर रहा हूँ कि आप लोग लॉगिन करके रिन्यूअल के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो जो स्टूडेंट पिछले साल अप्लाई किए थे इससे पहले, उससे पहले जिनका 3-4 साल का कोर्स है, तो रिन्यूअल के लिए यहाँ पर क्लिक करना। रिन्यूअल 21-22 कल से ही ऑप्शन दिया, 21-22 के लिए हम क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे जो है ओल्ड यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। वीडियो को आराम से देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। इसमें सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा, फॉरगेट, रिकवर, अपडेट सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। देख सकते हैं एप्लीकेशन आईडी इज सेम एज लास्ट ईयर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आईडी, मतलब लास्ट ईयर स्टूडेंट का जो एप्लीकेशन आईडी है उसी को यहाँ पर फिलअप करना। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट का आईडी फिल करता हूँ और पासवर्ड फिलअप करता हूँ जो ओल्ड पासवर्ड था, ठीक है। अभी उसके बाद इस कैप्चा को फिलअप करना और यहाँ पर पूरा कैप्चा जो दिखाई दे रहा है इसको फिलअप करना, लॉगिन करना। इन केस अगर आपका लॉगिन नहीं होता है तो आप लोग, अगर आपका एप्लीकेशन आईडी में दिक्कत हो रहा है तो फॉरगेट एक बार एप्लीकेशन आईडी कर लेंगे। अगर एप्लीकेशन आईडी नहीं, पासवर्ड अगर आपको नहीं पता, रिकवर पासवर्ड यहीं पर है, पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। रिकवर पासवर्ड में क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन नंबर डाल के ओटीपी मोबाइल पर आएगा, ओटीपी डाल के आपका पासवर्ड रिकवर हो जाएगा जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ ही हो सकता है, पूरा डेट ऑफ बर्थ जिसको फिलअप करना रहेगा। फिर आप लोग पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान के चले आपका मोबाइल पर ओटीपी ही नहीं आ रहा, मतलब आप फॉरगेट कर रहे हैं एप्लीकेशन आईडी या रिकवर पासवर्ड कर रहे हैं और आपका मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रहा, उस केस में अपडेट मोबाइल नंबर का भी यहाँ पर ऑप्शन दे दिया। तो इसके जानकारी मतलब यहाँ तीनों चीज़ बहुत अच्छे से बताऊंगा लास्ट में। अभी मैं एक स्टूडेंट का लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि किस प्रकार स्टूडेंट का लॉगिन होगा और कैसे अप्लाई करना, उसके बाद अपडेट मोबाइल नंबर, रिकवर पासवर्ड सब कुछ बताऊंगा। अगर आपके पास ओल्ड डिटेल्स भी नहीं है, मान के चलिए आप अपडेट मोबाइल नंबर कर रहे हैं और बहुत सारा डिटेल्स मांगते हैं, उसमें अगर आपका ओल्ड मोबाइल नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका भी जानकारी दूंगा कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो पहले अभी एक स्टूडेंट का रिन्यूअल करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो ओल्ड एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड ले लिए, कैप्चा डाल दी और लॉगिन करते हैं। जैसे ही यहाँ पर हम लॉगिन में क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट का फाइल लॉगिन हो जाता है। देख सकते हैं मुकेश कुमार महतो और यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी दिख गया ओल्ड वाला, ठीक है। उसका लेफ्ट साइड में आपका ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर रिन्यूअल, अपडेट इंस्टीट्यूट, चेक स्टेटस, प्रिंट, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट। हो सकता है आपका अपडेट इंस्टीट्यूट का ऑप्शन ना हो क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन में कहीं एडमिशन लिए तो 3 साल ग्रेजुएशन वहाँ पढ़ाई करेंगे, बीटेक में लिए तो 4 साल पढ़ाई करेंगे, उसके उसमें बहुत स्टूडेंट का अपडेट का ऑप्शन देता, बहुत स्टूडेंट का अपडेट का ऑप्शन नहीं देता। तो देख सकते हैं इसका दिया अपडेट इंस्टीट्यूट। इससे होता क्या, स्टूडेंट मान के चलिए अभी पिछले साल दूसरा कॉलेज स्कूल में था और अभी चेंज हो गया, चेंज कर लिया अपना स्कूल कॉलेज, उस केस में सेलेक्ट इंस्टीट्यूट करेंगे, अपना इंस्टीट्यूट जो अभी जहाँ पर पढ़ाई कर रहा है स्टूडेंट को, वो इंस्टीट्यूट का डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर तो इस सब का पता ही होगा, और यहाँ पर गेट इंस्टीट्यूट करेंगे तो सारा इंस्टीट्यूट का लिस्ट आ जाएगा। फिर यहाँ से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट को, और इधर पेज नंबर वाइज भी है तो जो आपका सही रहेगा पेज नंबर 306 तक है, तो आप लोग अपना इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ से सर्च कर लेंगे ताकि आसानी होगा, तुरंत यहाँ पर आ जाएगा और जो भी रहेगा उसको टिक करके सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये तो था इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने का ऑप्शन, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और अपडेट करेंगे, अपडेट करना जरूरी है। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट करके अपडेट करेंगे तो नया इंस्टीट्यूट जो है आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है।
अभी बहुत सारे स्टूडेंट का अपडेट इंस्टीट्यूट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। तो अगर आपका इंस्टीट्यूट चेंज हो गया है और अपडेट इंस्टीट्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा, अगर अपडेट इंस्टीट्यूट का ऑप्शन आपका नहीं दे रहा और आपका इंस्टीट्यूट चेंज हो गया, ओल्ड इंस्टीट्यूट तो आपका काम नहीं आएगा, उस केस में आप देखिएगा यहाँ पर आपका विड्रॉल एप्लीकेशन का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर चेंज पासवर्ड के आसपास में यहाँ पर रहता है एक ऑप्शन विड्रॉल एप्लीकेशन, तो आप अपना NSP का इस एप्लीकेशन को विड्रॉल कर लेंगे ताकि NSP से डिलीट हो जाएगा। फिर दोबारा आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके स्कॉलरशिप का फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपका फिर न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा नया इंस्टीट्यूट से, और वहाँ से आपको फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का इंस्टीट्यूट चेंज हो जाता है, उस केस में बताएं। अभी बात करता हूँ कि आप लोग अप्लाई फॉर रिन्यूअल कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन है अप्लाई फॉर रिन्यूअल, जिसको सिर्फ रिन्यूअल करना, कोई दिक्कत जिसका नहीं है। तो रिन्यूअल में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर एकेडमिक ईयर 21-22, देख सकते हैं आगे ऑप्शन, फिर रिन्यूअल फॉर स्कीम, यहाँ पर स्कीम का आपका नाम दिखेगा, पिछले साल आप जो भी स्कीम के लिए अप्लाई किए तो वो स्कीम का यहाँ पर नाम शो हो जाएगा। इस स्टूडेंट का केस में देख सकते हैं नेशनल मीन्स की मेरिट स्कॉलरशिप है, तो अभी NMS स्कॉलरशिप स्कीम ओपन नहीं हुआ, इसलिए इसका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होगा, अभी ओपन हुआ नहीं। जब ओपन होगा तो इसका फाइनल सबमिट हो जाएगा। मैं आप लोग को एक सैंपल दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार रिन्यूअल करना, तो आपका केस में यहाँ पर आपका अदर जो भी स्कीम लिए, प्री मेट्रिक, पोस्ट मेट्रिक, मेरिट मीन्स, सभी स्कीम यहाँ पर आ जाए, स्कीम का नाम यहाँ पर आएगा, फिर आपका नाम यहाँ पर आएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट तो आपका नाम आएगा, फादर्स नेम आपका फादर्स नेम आएगा, कम्युनिटी जो लिए थे वो आएगा, प्रेजेंट क्लास ईयर, यहाँ पर जो है आप पिछले साल जो क्लास में थे उससे जस्ट एक क्लास यहाँ पर आगे हो जाएगा, ठीक है आपका। उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट, प्रेजेंट इंस्टीट्यूट का नाम दिखेगा, अगर आपको चेंज करना तो अपडेट वाला ऑप्शन अगर मिला है तो अपडेट करेंगे, नहीं मिला तो इस एप्लीकेशन को विड्रॉल करके आप न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है। आपका IFSC कोड को देख लेंगे सही है कि नहीं, बैंक अकाउंट नंबर देख लेंगे सही है कि नहीं, नहीं तो आप अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर देख लेंगे, उसके बाद आधार कार्ड नंबर को कंफर्म, जो आधार नंबर है उसको दोबारा यहाँ पर फिलअप करेंगे। आप अगर आधार कार्ड नंबर नहीं डाले तो हो सकता नहीं आपको ऑप्शन मिले, इसका जो ऑप्शन आ रहा है वो बता रहा। एनुअल इनकम, फिलहाल अभी ये जो ओल्ड एनुअल इनकम ही यहाँ पर हो गया, तो फिलहाल अभी आप लोग का जो एनुअल इनकम जितना बना है इनकम सर्टिफिकेट में उसको फिलअप करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी आपको डाल भी सकते हैं, डे स्कॉलर हॉस्टेलर, अगर आप अभी डे स्कॉलर है हॉस्टेलर है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करें, मतलब हॉस्टल में आप रहते हैं या फिर इस डेली अपडाउन करते हैं, तो जिसका जो है वो अपना सेलेक्ट करेंगे, इंस्टीट्यूट से पूछ लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होता है क्या हॉस्टल में रह कर डे स्कॉलर अप्लाई करते हैं, नहीं तो इंस्टीट्यूट वेरीफाई नहीं करते, या फिर डे स्कॉलर भी रहते हैं और हॉस्टेलर डाल देते हैं, तो गलती नहीं करेंगे। आप लोग हॉस्टेलर है तो हॉस्टेलर लेंगे, डे स्कॉलर है तो डे स्कॉलर लेके, और प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट यहाँ पर देख सकते हैं। अभी क्या हुआ कोरोना काल में, अभी स्कूल कॉलेज जो 6 तारीख से ओपन हुआ, 6 अगस्त से, तो आप लोग स्कूल से पता कर लेंगे कि आप लोग का क्लास स्टार्ट डेट कब है। हम लोग का यहाँ से 6 अगस्त से स्कूल ओपन हो रहा है, स्टूडेंट को बुलाने का आदेश दे दिया 9-10 का, तो 6 अगस्त स्टूडेंट यहाँ पर लेंगे, ठीक है। और बाकी लोग अपना अपने स्कूल कॉलेज से पता कर लेंगे कि स्कूल कब से ओपन हुआ, आप लोगों को मालूम होगा तो अपना डेट फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रीवियस का परसेंटेज, आपका जो पिछले साल आप कितना परसेंटेज लाए उसको टिक करके यहाँ पर फिलअप करना। होता क्या है कि रिन्यूअल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 100 ही रह जाता है, 100%, लेकिन उसको यहाँ पर क्लिक करके आपको काट के इसको चेंज करना और अपना प्रीवियस वाला परसेंटेज डालना है, जो अभी आप इस बार जो प्रीवियस में लाएँ और अभी नेक्स्ट क्लास में आए। अगर आप 10th में अभी आया तो 9th में कितना था, 11th में आया तो 10th में कितना था, वो वाला परसेंटेज यहाँ पर फिलअप करना। उसके बाद एक ऑप्शन है एडमिशन इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। ये चीज़ नया ऐड किया गया कि आपका एडमिशन नंबर या इनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर को फिलअप करना, एडमिशन का ईयर फिलअप करना, रोल नंबर और सेक्शन, तो जिसका जो है वो फिलअप करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार नहीं है, कंपलसरी नहीं है। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, बहुत सारे स्टूडेंट जैसे 9 से 10 में गया तो 9th में रजिस्ट्रेशन हुआ तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को फिलअप कर सकता है, 9th के एडमिट कार्ड में रहेगा। एडमिशन ईयर, जिस साल आप एडमिशन लिए उसका ईयर डालेंगे, क्लास रोल नंबर डालेंगे और क्लास का सेक्शन डालेंगे, जिसको नहीं पता कुछ नहीं करेंगे, स्टार नहीं है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप में ऑप्शन है, आपका और भी कुछ अगर ऑप्शन आएगा नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात बता दो, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कोई भी और भी अगर अदर प्रॉब्लम है फॉरगेट रिलेटेड तो वो सॉल्व हो जाएगा। अभी अपलोड डॉक्यूमेंट्स का बात करता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर
बोनाफाइड स्टूडेंट इंस्टीट्यूट नॉट अपलोडेड अभी दिखा रहा, और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है। तो यहाँ पर जैसे डाउनलोड करेंगे तो आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, और उसको स्कूल कॉलेज से इंस्टीट्यूट से सिग्नेचर मोहर करके लाना है, अपलोड करना है, उसके बाद फाइनल सबमिट करना। फिलहाल अभी फटाक से कुछ भी भर के फाइनल सबमिट नहीं करेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा। अभी सेव ड्राफ्ट करके रख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे क्या क्या मांगा गया, सब डॉक्यूमेंट ले आएंगे, उसके बाद लॉग आउट कर लेंगे फिलहाल अभी, उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख लेंगे, बहुत स्टूडेंट का जो पिछले साल जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वही डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा इस बार। तो आपका केस में हो सकता है कि आपका मार्कशीट मांगे, इनकम सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया सब चीज़ का, इन सेल्फ डिक्लेरेशन माइनॉरिटी का और भी बहुत सारा लिंक है, तो आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा। जो डॉक्यूमेंट आप पिछले साल अपलोड किए वो सारा डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे, अपलोड यहाँ से करेंगे, उसके बाद अपलोड करने के बाद सेव एज ड्राफ्ट कर लेंगे एक बार और मिलान कर लेंगे, सब कुछ आप सही सही फिल किए हैं कि नहीं, सब कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड है कि नहीं, बोनाफाइड वगैरह अपलोड नहीं किए तो बोनाफाइड को स्कूल कॉलेज से सील वगैरह करा के मोहर वगैरह करा के लेके आइएगा, उसके बाद अपलोड करने के बाद ही फाइनल सबमिट करेंगे। कोई भी जल्दबाजी में फाइनल सबमिट वाला बटन पर क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है, हज़ार बार मिला के ही फाइनल सबमिट करेंगे। ये चीज़ हम हर एक वीडियो में आप लोग को बोलते हैं क्योंकि बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं। अभी बात करता हूँ कि आप लोग का मान के चलिए लॉगिन ही नहीं हो रहा, ये था रिन्यूअल का प्रोसेस। अभी और भी वीडियो में लेके आऊँगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी ओपन हुआ रिन्यूअल वाला, तो तुरंत ही आप लोग अभी फाइनल सबमिट नहीं करेंगे, दो चार दिन देख लेंगे, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे, हो सकता कुछ नया अपडेट आ जाए, ठीक है। अभी बात करता हूँ अगर आपका लॉगिन ही नहीं हो रहा, जैसे कि यहाँ पर आईडी पासवर्ड नहीं है, लॉगिन ही नहीं हो रहा, फॉरगेट एप्लीकेशन आईडी नहीं कर पा रहा, रिकवर पासवर्ड नहीं कर पा रहा, अपडेट मोबाइल नंबर यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये अपडेट मोबाइल नंबर का इसलिए ऑप्शन दिया है कि मान के चलिए आपका यहाँ पर आप फॉरगेट रिकवर पासवर्ड कर रहे हैं, आप अपना एप्लीकेशन नंबर को डालें, इस कैप्चा को फिलअप करें 8364 42, इसको डाल के नेक्स्ट किए, और आपका मोबाइल पर ओटीपी ही नहीं आ रहा है, आपका मोबाइल नंबर बंद है, पुराना मोबाइल नंबर अगर बंद है और ओटीपी नहीं आया, या फिर किसका हमको नहीं पता, पिछले साल जल्दीबाजी में कोई फॉर्म अप्लाई किया था, मामा चाचा भैया या फिर साइबर वाला का नंबर दे दिया और ओटीपी ही नहीं आ रहा, नहीं पता, उस केस में आप यहां पर अपडेट मोबाइल नंबर को कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप 2021-22 सेशन के लिए आप जो नंबर अभी फिलअप करेंगे उस नंबर पर अभी ओटीपी आना चालू हो जाएगा। उसके लिए क्या करना देख लीजिए, अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है और क्या क्या चीज़ मांगा जा रहा, एप्लीकेशन आईडी, तो आपको पता ही होगा एप्लीकेशन आईडी क्या है, ठीक है, एप्लीकेशन आईडी डाल दिए, एप्लीकेशन नाम, आपका जो नाम है उसको कैपिटल में सही सही डालेंगे जो पिछले साल का फॉर्म में डाला हुआ था। अभी और भी चीज़ है देख सकते हैं, मदर्स नेम डालना है आपका जो पिछले साल वाला फॉर्म में था, डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करना है सही सही, ओल्ड मोबाइल नंबर मतलब पिछले साल का जो मोबाइल नंबर था आप क्या डाले थे वही मोबाइल नंबर पिछले साल 2020-21 में स्कॉलरशिप में जो डाले थे वो मोबाइल नंबर डालना, आपका बैंक अकाउंट नंबर डालना, आईएफएससी कोड डालना, कैप्चा कोड को यहाँ पर डालना, ये कैप्चा कोड को और वेरीफाई एंड कंटिन्यू करना। इन केस अगर आपके पास ओल्ड मोबाइल नंबर नहीं है या फिर बैंक अकाउंट नंबर नहीं पता चल रहा या फिर गलती बता रहा है, आईएफएससी कोड नहीं है, मदर्स नेम मैच नहीं कर रहा, डेट ऑफ बर्थ या फिर कोई भी चीज़ मैच नहीं कर पा रहा है, या फिर आपको पता नहीं है ओल्ड नंबर क्या है वगैरह, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दिया आप लोग को लिंक कि ओल्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो क्या करें, यहाँ पर क्लिक करें, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट में चले जाएंगे scholarshiphelp.in वाला वेबसाइट में, वहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट करने का फुल प्रोसेस बताया हुआ और वहाँ पर एक मोबाइल नंबर दिया गया, ठीक है, वो उसको अगर आप कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सअप, ओनली व्हाट्सअप करेंगे तो वो आपको आपका ओल्ड डिटेल सब कुछ बता देगा, आपको सिर्फ एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ उसको देना व्हाट्सअप में, तो आपका नाम, मदर्स नेम, आपका ओल्ड मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड सब कुछ आपको बता देगा। उसका लास्ट डिजिट वहाँ पर नहीं मिलेगा, लास्ट डिजिट मैं आप लोगों को वीडियो पर बता दे रहा हूँ, लास्ट डिजिट स्क्रीन पर देख लीजिए, ये है मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट और वहाँ पर 8 डिजिट है शुरू से लेके व्हाट्सअप मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट के लिए, तो वहाँ पर वो मोबाइल नंबर से आप व्हाट्सअप से कॉन्टैक्ट करेंगे कि सर मेरा ओल्ड डिटेल्स दे दीजिए, ओल्ड नंबर नहीं पता या मदर्स नेम मैच नहीं कर रहा, तो आपको सिर्फ एप्लीकेशन नंबर, आपका एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड व्हाट्सअप कर देना, वो आपको ओल्ड डिटेल्स दे देगा, तो आप ओल्ड डिटेल्स को यहाँ पर फिलअप कर लेंगे, वेरीफाई एंड कंटिन्यू करेंगे, तो आपका डाटा वेरीफाई हो जाएगा इस प्रकार, उसके बाद आपका नाम और वगैरह दिखेगा और न्यू नंबर फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप अपना न्यू नंबर को दो बार फिलअप करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आपका नया नंबर ऐड हो जाएगा। नया नंबर ऐड होने के बाद आपको दोबारा NSP पोर्टल ओपन करना है,
लॉगिन में जाना है, रिन्यूअल में जाना है, उसके बाद यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड कर लेना। जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो नया नंबर से आपका ओटीपी आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नया नंबर जब रजिस्टर हो गया तो फॉरगेट पासवर्ड कीजिए, एप्लीकेशन नंबर कीजिए और रिन्यूअल के लिए अप्लाई कीजिए। आपका आपका जो आपके पास जो मोबाइल नंबर है उसको आप तो ऐड कर लिए, अभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप NSP स्कॉलरशिप में रिन्यूअल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करके फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो।